चलिए हेलो, रिकॉर्डिंग भी ऑन होगी। हरिओम, सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी हायर एजुकेशन की सेकंड क्लास में। आज हम जो हमने कल पढ़ा था उससे आगे का पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ लिया था वैदिक कालीन शिक्षा के स्वरूप पे हम आ गए थे और माइक आयु को सॉरी माइक ऑफ कर लीजिए। किसका ऑन है माइक? आयु सॉरी आयुष, माइक ऑफ कर लीजिए। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? ओके, जी मैम, यस कल मैम। हमने छोड़ा था पूर्व वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप। इसमें हमने दो भाग देखे हैं, जो दो भागों में डिवाइड है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा में क्या आता है? हमारे यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो इंडियन कल्चर है या हम और भी जगह पे ऐसे ही माना जाता है, हमारा प्रथम गुरु हम किसको बोलते हैं बताइए? माता माता को, को माता को बोलते हैं। उसके बाद पिता को, यानी माता पिता को ही बोलते हैं प्रथम गुरु, क्योंकि हमारी माँ ही हमको बहुत सारी शिक्षा जन्म के बाद से ही हमको सिखाना स्टार्ट कर देती है। क्या कैसे करना चाहिए, किस चीज को क्या कहते हैं, किसका क्या अर्थ होता है। घर में ही एक बेसिक एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है माता पिता के द्वारा। और उसके बाद जो हमारे गुरु हैं उनका नंबर आता है, जो हमारे टीचर हैं वो फिर बाद में है, जब हम उनके पास पहुंचते हैं तब वो हमको शिक्षा देना, एक फॉर्मल एजुकेशन उनके थ्रू हमको मिलना शुरू होती है। लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हमारी घर से वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में एक्चुअली ये हो रहा है कि घर से ही शुरू हो जाती है। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं और घर में ही ये होती है। दूसरी होती है हमारी उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए हमको इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है। उस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए एक संस्कार होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं कुल, सबको पता है? 16 16 16 सही। संस्कार होते हैं। उन्हीं में से, उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार, जो कि विद्या आरंभ करने का संस्कार है। इसको विद्या आरंभ संस्कार भी कहते हैं। यहाँ से बच्चे की हायर एजुकेशन स्टार्ट होती है। अभी जो वर्तमान है, अब कंपरेटिव स्टडी साथ साथ करते चलिए, कि जो वर्तमान हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हायर एजुकेशन हम कहाँ पढ़ रहे हैं? कॉलेज लेवल पे जब हम आ जाते हैं तब हमारी हायर एजुकेशन स्टार्ट होती है। या हमारी यहाँ स्कूल में भी जो अपर क्लासेस होती हैं वहां से हमारी हायर एजुकेशन स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राथमिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन हुई घर में, और उसके बाद एक उपनयन नाम का संस्कार किया, जो विद्या आरंभ, कौन सी विद्या? औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन, जो स्टार्ट करने के लिए एक संस्कार किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। मतलब बच्चा एक देहरी क्रॉस करके अब पढ़ने के लिए जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम देखेंगे। ये प्रारंभिक शिक्षा हम पढ़ चुके हैं। उच्च शिक्षा में, वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था कहाँ होती थी? जो इंस्टीट्यूशन है उनको क्या बोलते थे हम? गुरुकुल। गुरुकुल, बिल्कुल। गुरुकुल में दी जाती थी। आपने अभी, हाँ अभी जो लॉकडाउन में फिर से, और या उसके पहले भी चलता था, श्री कृष्णा एक सीरियल आता है, रामायण जी, रामानंद सागर के दोनों सीरियल्स हैं, वो सबने देखे होंगे, मे भी देखे हैं सभी ने। यस मैम, यस मैम। उसमें दिखाते हैं ना कि प्रारंभिक शिक्षा हो गई घर में, उसके बाद इन, चाहे कृष्ण हो या राम हो, इनको कहाँ भेजा जाता है? गुरुकुल में। उपनयन संस्कार होता है उनका, कैसे होता है? हमने देखा कि उनका मुंडन करवा देते हैं, नहला धुलाकर बच्चों को नए वस्त्र पहना देते हैं और उनको एक झोली दे दी जाती है। और पहली भिक्षा वो कहाँ से लेते हैं? अपने घर से ही लेते हैं। और भी इसमें कुछ चीजें हैं कि मतलब कैसे होती है विद्या आरंभ का जो पूरी प्रक्रिया, वो कैसे होती है, जो किसके द्वारा करवाई जाती है? कुल पुरोहित होते हैं, उनके द्वारा ये संस्कार करवाया जाता है। कुल पुरोहित जो रहते हैं वो बच्चों को
बता दिया कि निलाना धुलाना है इनको, नए वस्त्र पहनाना है, फिर वही कुल पुरोहित क्या करते हैं, कुल पुरोहित यहाँ पे अभी हमने कल क्या देखा था, ब्राह्मण और पंडित क्या थी, ये उपाधियां थी, जबकि कुल पुरोहित कौन होते हैं, सबके अपने अपने कुल पुरोहित होते हैं, जैसे राम जी के थे वशिष्ठ जी, उनके घर में जितने भी संस्कार होंगे, पूजन पाठ संबंधित जो भी काम होंगे वो सब कुल पुरोहित के द्वारा किए जाते हैं, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस चीज का कब मुहूर्त है, ये सब कौन बताता है, कुल पुरोहित बताते हैं। तो कुल पुरोहित के द्वारा ही ये उपनयन संस्कार होता है। इसमें क्या करते हैं ये कुल पुरोहित, एक वस्त्र पे जो एकदम स्वच्छ सा वस्त्र होता है उस पर चावल बिछाते हैं, और फिर ऐसे चावल बिछा के उन चावलों में से ही वर्ण वर्णमाला के अक्षर बनवाते हैं, उन चावलों के बीच में उंगली चलवा के हाथ पकड़वा के, बच्चे को तो आता नहीं है वर्णमाला का अक्षर बनाना, उन चावलों के ऊपर ये प्रक्रिया करवाते हैं, ये हो गया उनका उपनयन संस्कार हो गया। मतलब उन्हों जैसे आजकल क्या है, कलम पकड़वा के करवाते हैं हम माँ भगवान के मंदिर के सामने, जब पहली बार बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो हम थाली में मतलब कॉपी पे हम पेंसिल या कलम पकड़वा के वो काम करवाते हैं, पहले ऐसा चावल बिछा के, चावल के ऊपर वर्णमाला का अक्षर बना के, और ये काम किया जाता था। साथ में जो कुल पुरोहित हैं उनको भोजन कराया जाता था, दक्षिणा दी जाती थी, ऐसे करके ये संस्कार वहां पे होता था। ये संस्कार की विशेषता है, और यहाँ से बच्चे की जो है औपचारिक शिक्षा या फिर फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती थी। अब बच्चा जब गुरुकुल में पहुंच गया तो वहीं रहेगा वो, ये कैसा होता था, मतलब आजकल जो नवोदय विद्यालय होते हैं कि बच्चे को वहीं रहना है, वहीं पढ़ना है, स्कूल भी वहीं है और रहना भी वहीं है, घर से दूर, ऐसे ही उस समय गुरुकुलों में ही रहने की व्यवस्था होती थी, उन्हीं में रह के बच्चे को, अब जो बच्चा जैसा है वैसी उसको डिसाइड करके अलग अलग वर्णों के, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अलग अलग वर्णों के बालकों के लिए उपनयन संस्कार की आयु अलग अलग निर्धारित थी। अलग अलग वर्ण, हमने वर्ण आश्रम व्यवस्था देखी थी, कौन से कितने वर्ण होते हैं, चार चार मैम, कौन कौन से होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्णाश्रम होते थे, तो इनके बालकों के लिए अलग अलग एज डिसाइड थी। क्या थी वो एज, ये हमने जो पढ़ा है ना, इसमें एक चीज और ये भी है कि वेद मंत्रों के द्वारा ईश्वर की स्तुति की जाती थी पहले, मतलब बच्चे के हाथ से वर्णमाला बनवाने के पहले देवताओं की स्तुति भी की जाती थी, और जब बालक वहीं रहने लगा तो फिर उसको वहां के नियमों का पालन करना पड़ेगा, भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा, और जो सारे बालक कहेंगे एक जैसा, इक्वलिटी रहेगी सभी में, चाहे राजा का पुत्र हो चाहे कोई दास का पुत्र हो, शूद्र बालक हो, वो सब सबके लिए वहां के गुरुकुल के नियम एक जैसे होते थे, सबको अनुशासन में रहना पड़ता था। ऐसा नहीं कि राजा का है तो वो पलंग पे सोएगा और कोई शूद्र है तो वो नीचे सोएगा, ये सब चीजें कुछ नहीं होती थी। गुरु के लिए सभी शिष्य एक समान होते थे। ये है जो एज ग्रुप है कि किस एज किस आश्रम के बालक को उपनयन की कौन सी एज है, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है कि ये वेन का निशान लगा हुआ है, प्रतिबंध का निशान क्यों है इसके ऊपर, ये जो आपको शूद्र यहाँ पे वर्ण दिख रहा है ये क्यों है ऐसा, हमने क्या पढ़ा था कि जो जिसकी जो योग्यता है वह उस तरह की शिक्षा ग्रहण करता है। अब हमें ये पता है कि अलग अलग टाइप की एजुकेशन है, जैसे ब्राह्मण है उसको तो काम ही क्या करना है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, तो उसे तो पढ़ा लिखा ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए तो योग्यताधारी होना चाहिए, खुद को पता होना चाहिए चीजें, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, तब तो ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा। क्षत्रिय बालक को किसकी शिक्षा होनी चाहिए, उसके लिए रक्षा का काम है उसका, तो उसके लिए और थोड़ी सी एज बढ़ा दी, 11 वर्ष कर दी, पढ़ाई तो 8 वर्ष से भी स्टार्ट की जा सकती थी, कम आयु में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि तलवारबाजी करना है या दूसरे
और हथियारों को चलाना, अस्त्र शस्त्रों को चलाना सीखना है, तो उन्होंने उस हिसाब से और थोड़ी उसकी आयु बड़ी रखी। साथ में इसको शिक्षा भी कैसे दी जाती थी, अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी जाती थी। और अगर वेदों में रुचि है उस तरफ भी अच्छा कवर कर सकता है तो वो भी उसको देंगे। तो यहाँ पे और तीसरा क्या है, वैश्य बालक वाणिज्य का काम यानी व्यापार व्यवसाय करने के लिए कमर्शियल जो फुलफिलमेंट है उनके लिए उस टाइप की एजुकेशन देने के लिए यहाँ पे। लेकिन हम देखते हैं कि एक जो शूद्र का काम क्या होता है, ऑलमोस्ट ज्यादातर दूसरों की सेवा करना, साफ सफाई का काम, या जिस कुल मिला के ऐसा है कि जिसने जो कह दिया वो करना, शूद्र का काम यही माना गया है कि जिसने जो ऑर्डर दे दिया उसको फॉलो करना, उसको अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके लिए कोई योग्यता भी नहीं चाहिए है। अब योग्यता नहीं चाहिए तो इसलिए उसके उपनयन की भी यहाँ पे कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है। उसकी जो भी एजुकेशन होती थी वो प्रारंभिक शिक्षा में उसके घर में ही हो जाती थी। ये हमने पहले पढ़ा था कि जो शूद्र वर्ण का बालक है उसकी एजुकेशन कहाँ पर, घर पर ही हो जाती है, उसे गुरुकुल में आवश्यकता नहीं होती है जाने की। अब यहाँ पे दोनों चीजें कंपेयर करके एक साथ रख के देखिए। कल हमने क्या पढ़ा था कि वैदिक कालीन शिक्षा स्पेशली जो पूर्व वैदिक काल है उसमें कैसी थी, कर्म आधारित शिक्षा थी, ना कि वर्ण आधारित, जिसमें जो योग्यता है वो उस तरह की शिक्षा ग्रहण कर लेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज साथ में ये भी रखना है ध्यान कि गुरुकुल में सभी कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है ये सिस्टम। तो राजा के बालक आ रहे हैं, अब राजा के बालक जैसे कोई अभिनेता होता है, हीरो होता है, उनके घर में सभी फिर फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं, बच्चे भी हीरो हीरोइन बन जाते हैं। और कोई डॉक्टर है तो उसके घर में बच्चे डॉक्टर, टीचर है तो उसके घर में टीचर। कहीं ना कहीं एक जो पहला व्यक्ति रहा होगा उसने तो अपने योग्यता के आधार पर वो चीज वो पेशा अपनाया होगा, और बाकी उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको देखकर मोटिवेट होकर वो आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं कैसा हो गया, फैमिली लाइन बन गई वो एक, कि हमारे फैमिली में सब डॉक्टर है, हमारे फैमिली में सब टीचर है, ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था तब भी थी कि जो ब्राह्मण है ब्राह्मण के बालकों का रुझान वैसे, क्योंकि वो दिन रात अपने घर में वही कल्चर में रहते थे। क्षत्रिय राजा के घर में अब युवराज है, राजा है तो युवराज है या जो भी बालक है वहां के राजघराने के, उनको भी वो सब क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो उसी की शिक्षा वो लेंगे। और जो व्यापार कर रहे हैं कमर्शियल फील्ड में ज्यादा बढ़े हुए हैं तो उनके बच्चे कैसे होंगे, उसी में जाएंगे। और चूंकि जो शूद्र हैं उनके बच्चे चूंकि पेरेंट्स नहीं पढ़े, उनको माहौल नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई शूद्र बालक अपने जो एक परंपरा चली आ रही है फैमिली की उसको तोड़कर आगे बढ़ रहा है तो वो बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। ये चीज इसलिए बता दी अभी साथ साथ क्योंकि अभी एक आगे यहाँ पे आएगा कि इसके अलावा मतलब वेदों का ज्ञान कराया जाता था गुरुकुलों में, मेन रूप से मुख्य रूप से किसकी शिक्षा दी जाती थी, वेदों की। तो वेदों के अलावा बाकी एक सेंटेंस आएगा यहाँ पे कि बाकी सभी वर्णों के बालकों को उनके उनके वर्णों की शिक्षा भी दी जाती थी। तो आप वहां कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पे एक साथ ये क्लियर कर दिया है। अब अगर हम अनुशासन मतलब डिसिप्लिन की बात करें कि गुरुकुल में डिसिप्लिन कैसे रहता था। अच्छा एक चीज और यहाँ पे रखना है ध्यान, आप में से कोई गवर्नमेंट जॉब में है, किसी ने गवर्नमेंट जॉब करी है या किसी के घर में गवर्नमेंट जॉब में होंगे, बताइए यस और नो। यस मैम। हाँ है ना, तो जब जॉब लगी होगी तो एक टाइम पीरियड स्टार्टिंग में एक टाइम पीरियड होता है, कहीं कहीं पे ऑलमोस्ट 3 वर्ष का होता है, 3 साल का टाइम पीरियड, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोबेशन पीरियड, प्रोबेशन पीरियड जी, प्रोविजनल पीरियड उसको बोलते हैं। मतलब अवलोकन का एक टाइम होता है, आपको वॉच किया जाता है कि आपका नेचर जो भी इंस्टीट्यूशन है जो भी संस्था है उसके अकॉर्डिंग है, एडॉप्टेबल है या नहीं है,
आप उसके विरुद्ध तो नहीं चल रहे हैं, उसको किसी तरह से नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे जब स्टूडेंट गुरुकुल में प्रवेश करता था, कुछ दिनों तक उसको ऑब्जर्व किया जाता था, उसका एक उसको ध्यान रखा देखा जाता था कि ये अनुशासनों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, गुरुकुल के अनुरूप है या नहीं है। अगर नहीं होता था तो उसको क्या करते थे, निष्कासित, मतलब उसको हटा दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था कि तुम इस गुरुकुल के लायक नहीं हो, तुम इस शिक्षा ग्रहण करने के लायक नहीं हो, तो उसको हटा दिया जाता था। ये पहला अनुशासन यही दिया गया है कि गुरुकुल में प्रवेश के बाद सबसे पहले शिक्षार्थी की रुचि या रुझान को देखा जाता था, इंटरेस्ट देखा जाता था कि वो पढ़ रहा है या नहीं, किसी भी जो जो वहां पे उसको एजुकेशन दी जानी है किसी में भी उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब देखा जाता था। अगर ऐसा नहीं था, ठीक नहीं लगता था, तो उसको क्या करते थे, गुरुकुल से बाहर कर देते थे कि तुम नहीं पढ़ पाओगे। बालकों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य था, कंपलसरी था सभी के लिए। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या होता है, 3 बजे। 3 बजे जी बिल्कुल सही, 3 बजे। तो सबका नियम था कि उठेंगे, अपनी जो रूटीन लाइफ है, मतलब सबसे पहले फ्रेश होना है, जो निवृत्त दैनिक कर्म है, क्रियाएं हैं, सफाई, हम पढ़ते हैं ना हठ योग में, हम पढ़ते हैं कि शुद्धि क्रियाओं का महत्व, सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे अपने शरीर का कोश, फिर उसके बाद मंत्रों के द्वारा या दूसरी जो चीजें हैं उनके द्वारा मानसिक शुद्धिकरण भी करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, गुरु के उठने से पहले गुरु जी को जितनी भी चीजें लगती हैं डेली, उन सबकी व्यवस्था करना भी इनका काम होता है, किसका, बालकों का, पूरी दिनचर्या का वहां पालन करेंगे। गुरुजी के लिए जो जो सामग्री लगती है वो पहले गुरुजी के जागने से पहले पानी की व्यवस्था और उनको जो जो लग रहे हैं वस्त्र लग रहे हैं वो सब उनकी जगह पे लाके छोड़ देंगे। अब अगर व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप कैसा था यहाँ पर, वैदिक काल में आज की व्यावसायिक शिक्षा को कर्म शिक्षा कहा जाता है, वोकेशनल एजुकेशन जो है प्रोफेशनल एजुकेशन कही जाती थी उस समय, मतलब आज कही जाती है प्रोफेशनल एजुकेशन, उस समय व्यावसायिक शिक्षा थी। प्रारंभिक वैदिक काल में यह शिक्षा कैसी थी, योग्यता के आधार पर, जिसमें जो जैसी योग्यता है कि जिसमें जो हस्त पुष्ट है, जिसका शरीर बलवान है, भले ही वो साधारण घर का बालक हो, उसको भी किसकी शिक्षा दी जाएगी, क्षत्रिय धर्म वाली शिक्षा दी जाएगी उसको ना। ठीक है राजघराने का बालक नहीं है, लेकिन राजघराने में भी केवल अकेला राजा ही तो नहीं युद्ध करता है या रक्षा करता है, उसके बहुत सारे सैनिक होते हैं बॉर्डर पे, हमारे जैसे सिपाही होते हैं, वो सब भी तो चाहिए, तो उनके लिए भी एजुकेशन, साधारण घर के बालक है तो भी जिसमें जो योग्यता है उसको वही शिक्षा दी जाएगी। दंड का क्या सिस्टम था, मतलब पनिशमेंट का क्या रूल था वहां उस समय पर गुरुकुल में, पनिशमेंट के लिए ये होता था, अगर विद्यार्थी से किसी प्रकार का नियम भंग हो जाए, कोई डिसिप्लिन उसने तोड़ दिया, नहीं फॉलो किया, तो क्या होगा उसको, इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, उद्यालक व्रत करवाया जाता था। क्या होता है इस उद्यालक व्रत में, उसको टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, कोई नियम उसने तोड़ दिया, डूज एंड डोंट्स वाली जो चीजें हैं कंडीशन, उसमें से उसने कोई चीज मतलब नहीं मानी, नहीं फॉलो करी, तो उसको एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए, मान लीजिए 1 महीने के लिए, उसको ना भरपेट भोजन नहीं देंगे, अल्पाहार पर कम, जैसे वो 4 रोटी खाता है तो उसको आधी रोटी देंगे, 1 रोटी देंगे, पूरा भरपेट भोजन उसको नहीं देंगे, ये उद्यालक व्रत होता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह का कठोर दंड नहीं दिया जाता था, ये सब चीजें ध्यान रखिए। अभी आप जब हम पढ़ेंगे बौद्ध एजुकेशन जब पढ़ेंगे और जो मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली हम पढ़ेंगे, तो वहां पे कंपेयर करने के लिए आपको काम आएंगी ये चीजें, कि अगर कोई दंड
का विधान था, उसमें कैसा था, इसमें कैसा है और उसमें कैसा है, तीनों की, इन चीजों की टेबल, जो मैं टेबल की बात कर रही थी अभी स्टार्टिंग में कि टेबल आपको बनाना है, तो आपको ऐसे ही टेबल बनाना रहेगी। उसमें अभी से देख लीजिए, ये पहला हमने पढ़ा कि संस्कार कौन सा होता था, एक कॉलम आपका बन जाएगा संस्कार का, ऐसी हमको टेबल बनानी है। एक में तो हमारा क्रम संख्या हो जाती है, सीरियल नंबर हो जाता है, दूसरे में आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ हमको चलिए ऐसे में कर लेंगे, यहाँ पे तीन रहेंगे, एक सेकेंड यही मिटा देते हैं हम, तीन कॉलम यहाँ पे रखना है हमको, चार, और यहाँ पे ये सीरियल नंबर हो जाएंगे एक कॉलम में, और अब हमको क्या रखना है, इधर पे हमको कैटेगरी में बांट देना है। एक में हम रखेंगे अनुशासन, रख सबसे पहले संस्कार को कितना सिस्टम में जो स्वरूप है, हायर एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन कितने भागों में बटी, एक कॉलम में वो लिख देंगे हम, शिक्षा का स्वरूप लिख देंगे एक में, दूसरे में संस्कार कौन सा हो रहा है ये लिख देंगे, तीसरे में लिख देंगे अनुशासन कैसा था, चौथे में लिख देंगे कि दंड का विधान क्या था, ऐसे जो जो चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ साइड में बनाइए और यहाँ पे लिखिए, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध काल, और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बौद्ध के बाद में मुस्लिम कालीन या मध्यकालीन, ऐसे ये अलग अलग कॉलम में, यहाँ पे जिस काल की पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जिस बेस पे आप डिवाइड कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उसको यहाँ पे ऐसे में रखिएगा। ठीक, क्लियर है ये कैसे टेबल बनाना है, यस और नो बताइए, क्लियर है? उत्तर वैदिक काल और बौद्ध काल और मध्यकाल या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली, ये ऊपर आएंगी, और नीचे में आपको जो जो यहाँ हेडिंग्स दिखती जाएंगी, जैसे ये अनुशासन दिख रहा है, अनुशासन सबसे पहले तो स्वरूप डालेंगे कि दो में बटा हुआ था, पूर्व प्री एजु प्राइमरी और हायर एजुकेशन, किसी किसी में तीन में बटा हो सकता है, तो एक तो स्वरूप हो जाएगा या फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद आपका अनुशासन हो जाएगा, दंड का विधान हो जाएगा, शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा कैसी थी वो हो जाएगा, ये जो आपको हेडिंग यहाँ दिखेगी वो सब ऐड उसमें कर लीजिएगा, तो आपको कंपेरेटिवली आसानी रहेगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, अध्ययन अवधि मीन्स ड्यूरेशन क्या था, जो भी वहां गुरुकुल में वेद पाठ कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने सुना होगा ना, सरनेम द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी, सुने हैं सरनेम आप लोगों ने? यस मैम, यहीं से निकल के आए हैं वो, यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये चार वेद दिख रहे हैं आपको, मतलब चार वेद होते हैं हमको पता है, गुरुकुल में कैसे शिक्षा दी जाती थी इनकी, जो एक वेद का अध्ययन करता था तो एक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष का समय लगता था, एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष का समय लगता है, इस प्रकार से इस कैलकुलेशन को अगर फॉलो करें, टेबल को फॉलो करें 12 के, तो चारों वेदों का जो अध्ययन कर लेगा उसको 48 ईयर्स का टाइम लगेगा, और इसी के अकॉर्डिंग नाम दिए गए। अगर जो एक का कर रहा है, ये उपाधियां दी जाती थी, जिसने एक वेद कंप्लीट कर लिया उसको स्नातक बोलेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है, ग्रेजुएशन हमने कर लिया तो ग्रेजुएट कहलाते हैं, और पीजी कर लिया तो मास्टर कहलाते हैं, ऐसे ही अगर दो वेदों का 24 वर्ष में अध्ययन कर लिया तो उसको कहा जाता है वसु। फिर उसके बाद में जो तीन वेदों का अध्ययन कर लेगा तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, उपाधि क्या हो जाएगी, रुद्र उसको कहा जाएगा। उसके बाद आता है आदित्य, आदित्य किसको कहेंगे, जो चारों वेदों का ज्ञाता हो जाएगा। सोच लीजिए, एक वेद में 12 वर्ष का समय लग रहा है और पूरे वेदों का जो अध्ययन कर ले रहा, वो कितना 48 वर्ष उसने अपने दिए हैं सिर्फ एजुकेशन में, तो वो कितना महान होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो वर्णाश्रम के बाद हमारे एक और आश्रम व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, कौन सी होती है, ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है एक एक आश्रम में, एक अवस्था में। उसके बाद गृहस्थ आश्रम का पालन किया जाता है, फिर आता है वानप्रस्थ और लास्ट में आता है सन्यास। सन्यासी वाली कंडीशन आ जाती है। तो हर एक की आयु भी डिसाइड है, 25-25 वर्ष में सबको बांटा गया है। हमने उपनिषदों में पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा उपनिषदों में या शायद अभी पढ़ने में आएगा कि 100 वर्ष तक की आयु की कल्पना की गई है। पढ़ा है ये कहीं शास्त्रों में? ईशावास्य उपनिषद में, बहुत बढ़िया। तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि 100 वर्ष तक की मनुष्य की एक अच्छी आयु की कल्पना की गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग इस 100 वर्ष की आयु को चार भागों में बांट दिया गया है। 25 वर्ष जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? ब्रह्मचर्य वाली एज के लिए होते हैं। उसके बाद के 25 गृहस्थ में, उसके बाद के वानप्रस्थ में, और उसके बाद के जो हैं 25 वर्ष वो आपके कहाँ माने कहाँ के लिए? संन्यास आश्रम के लिए है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 पढ़ लिया ठीक है, उसके बाद 24 पढ़ लिया, 24 वर्ष तक पढ़ लिया, उसके बाद क्या होगा भाई? घर से बुलावा आने लगता है कि अपनी जिम्मेदारियों का पालन करो, विवाह करो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आयु हो गई। तो यहाँ कुछ लोग यहाँ चले गए, उसके बाद बचे हुए और भाई कुछ कुछ महान होते हैं, उन्हें 36 तक अपना टाइम दे दिया, उन्होंने नहीं किया विवाह। और फिर कुछ उसके बाद यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये एक संख्या, नंबर ऑफ पीपल और भी ज्यादा कम हो जाता है। यहाँ 100 मान लीजिए, यहाँ 50 मान लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आते आते और कम हो गई गिनती, यहाँ पे 20-30 मान लीजिए, और यहाँ आके 2-4 ही बचेंगे। 2-4 लोग ही चारों वेदों का अध्ययन कर पाते हैं जो पूरी तरह से समर्पित हों, जिन्हों और कुछ नहीं करना है जीवन में, बस ज्ञान की ही प्राप्ति करना है, अपने आप को जानना है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना है, वो यहाँ तक जाते हैं इतने चारों। और उन्हीं को फिर आदित्य की उपाधि मिलती है। आदित्य का अर्थ क्या होता है, किसका पर्यायवाची है आदित्य? सूर्य का। सूर्य का, बहुत बढ़िया। तो सूर्य की सूर्य के समान कौन चमक सकता है जिसे चारों वेदों का अध्ययन हो? इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, इनको क्रम से याद रखिए। स्नातक किसको कहते हैं, वसु किसको कहते हैं, और रुद्र किसको कहते हैं, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहे हैं। पहली यूनिट हमारी 7th यूनिट का पहला चैप्टर है, ये पहला टॉपिक है। इसमें हम जो हमारे प्राचीन कालीन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपके चारों आश्रम हैं। इसके अतिरिक्त जो जिस वर्ण का, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि जो जिस वर्ण का है बालक, उसको उसके वर्णाश्रम के अनुकूल भी शिक्षा दी जाती थी, जो जिस योग्य होता था, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी होती थी, इफिशियंसी होती थी, उसको उसी के अकॉर्डिंग भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती थी। सब चीजों का ध्यान रखा जाता था, ऐसा ना हो कि भाई जबरदस्ती हम उसको वेद पाठ करवा रहे हैं, उसका मन ही नहीं लग रहा है तो वो नाम हो गया जैसे तैसे, लेकिन फिर वो कर क्या पाएगा, दक्ष नहीं होगा, इतनी इफिशियंसी उसमें नहीं होगी, वैसे वो काम नहीं कर पाएगा ठीक से। या उसको जबरदस्ती हमने क्षत्रिय धर्म वाली क्षत्रिय आश्रम की जो शिक्षा है वो दे दी, लेकिन उसमें वैसा शौर्य नहीं है, सौष्ठव नहीं है, तो वो वहां पे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो जहाँ जिस लेवल पे है, जिसकी जो योग्यता है, वो अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार भूखा ना मरे, उसको वो शिक्षा दे दी जाए। जैसे कि मोस्टली लड़कियों को क्या है, घर में पढ़ाई लिखाई तो करती ही करती है, उसके बाद भी पेरेंट्स का ये फोकस रहता है, स्पेशली मदर लोगों का, कि साथ में आप अपनी कुछ ना कुछ हुनर सीखते रहो, ताकि अगर जरूरत पड़े, कैसा भी समय आए, विपरीत परिस्थिति आए, आपको भूखे मरने की कंडीशन ना आए, आप अपने
उस हुनर के दम पे कुछ ना कुछ कर सको। जैसे अभी पेंडेमिक में क्या हुआ था, सब लोग घर पे बैठे थे, प्राइवेट जॉब सबके छूट गए थे, और क्या हो रहा था, सब लोग बढ़िया रेसिपी बना बना थे, सबने अपने अपने हुनर को खूब पेंडेमिक का जितना भी टाइम रहा, पीरियड रहा, उसमें सब सबके जितनी भी जितमें क्वालिटी थी वो सब निकल के बाहर, सब यूट्यूबर बन गए, सबके खूब सारे फॉलोअर्स हो गए। तो ऐसा समय भी आता है, कई जगह ऐसा था कि लेडीज लोगों ने घर चलाया पूरा पूरा, क्योंकि जेंट्स अगर जॉब में थे उनकी जॉब छूट गई थी तो फिर कमान संभाली घर की महिला मेंबर ने। तो इसलिए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट था कि जो जिस योग्य है उसको वो शिक्षा दे दी जाए तो उसका काम चलता रहे। समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को, किसी को कोई डाउट है? जी मैम आ रहा है, समझ लो। अच्छी लग रही है क्लास, इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं लग रही है? यस मैम अच्छा लग रहा है। ओके थैंक यू। अब हम शिक्षक मतलब जो प्री वैदिक कालीन एजुकेशन थी उसके सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस क्या था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी आप दर्शन पढ़ चुके हैं, कौशल सर ने दर्शन की क्लास ले ली है। कौन सा ऐसा भारतीय दर्शन है जिसमें परा और अपरा विद्या की बात की जाती है, बताइए? षट दर्शन पढ़ा है ना आपने? जी मैम। एक दर्शन आता है ऐसा जिसमें ये मेन है, परा और अपरा विद्या, कौन सा है वो? वेदांत दर्शन। जी इसमें क्या क्या रखा गया सिलेबस में, इसमें रखी गई चीजें ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? जूम कर दिया है मैंने। इसमें इसके अंतर्गत अलौकिक विद्या, अलौकिक मतलब हम लौकिक और अलौकिक या पारलौकिक शब्द इस्तेमाल करते हैं स्पेशली योग में, तो बहुत ज्यादा इसमें उलझे ना। यहाँ इस संसार में मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसकी अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, हमारी लौकिक विद्या हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हम किसी वर्ल्ड की बात करते हैं जो दिखाई नहीं देता है तो वो हमारी हो जाती है अलौकिक विद्या। आध्यात्मिक विद्या भी कहते हैं, ये डैश लगा है मतलब ये सब एक ही चीजें हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या एक ही के अन्य नाम है, दूसरे नाम है। आध्यात्मिक विद्या, आत्मविद्या या जीव विद्या, ब्रह्म या परमात्मा का ज्ञान प्रदान किया जाता था इसमें। कौन सी में? परा विद्या में। परा मतलब परे। दूसरा इसमें जो अपरा विद्या है, अपरा का संबंध ही है मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उससे रिलेटेड एजुकेशन। यहाँ इस संसार में इस शरीर के लिए हमको क्या शिक्षा चाहिए उसकी बात इसमें हो रही है। व्यवहारिक भूगोल मतलब प्रैक्टिकल जियोग्राफी, नीति मतलब इथिक्स, ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी, भूगर्भ अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक। भूगर्भ को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, पढ़ा था ना हमने भूतापी ऊर्जा, जियोग्राफी आदि विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। दो भागों में मतलब ये सिलेबस बटा हुआ था, एक परा और एक अपरा, यानी एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात हो रही है एक में, और एक दूसरा जो इनविजुअल है वर्ल्ड, उस वर्ल्ड के लिए जो एजुकेशन चाहिए थी उसकी बात हो रही है। तो परा और अपरा दो में डिवाइड करके हमको यहाँ पे ये एजुकेशन दी जाती थी। शिक्षण पद्धतियां मेथड्स कौन कौन सी थी पढ़ाने की उस समय प्री वैदिक काल में, मौखिक और व्याख्यान, दो तरह से ऐसा होता था कि सिर्फ जैसे हम उपनिषद में देखा ना कि गुरु शिष्य परंपरा से लिखने का कोई वो नहीं था, बाद में ये चीजें लिखने का काम अरण्यकों में हुआ, पहले गुरु ने गुरु पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा रहे हैं
और बाकी सारे शिष्य बैठ के ध्यान से सुन रहे हैं उन सब। क्या मैं बोली कि श्रुति प्रधान स्मृति प्रधान नहीं है क्या मैम? स्मृति नहीं, स्मृति हाँ स्मृति में भी आ जाएगा, मतलब जो सुन के और स्मृति में रख रहे हैं स्मृति में ही आ जाएंगे ये, सही बोल रहे हो आप। तो मौखिक मतलब क्या क्या हो रहा है इसमें, मुख से बोला और बच्चों ने सुना और उसको फिर माइंड में रखा, स्मृति में रखा, और उसके बाद में क्या किया उन्होंने, उसका चिंतन किया, बार बार उसको रिकॉल कर रहे हैं, बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं, और मनन, मनन मतलब एक सतत धारा। अब इसको आप समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उससे आपको ये चीजें याद रहेंगी, चिंतन मनन सुनना। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं भी आप काम कर रहे हैं, जहां कोई ना कोई आपसे ऊपर वाला है, आपका एक बॉस है, आप सब काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन किसी और ने, आपकी गलती नहीं थी लेकिन आपको मतलब बॉस से डांट खिलवाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया कि बॉस ने बिना कुछ सोचे समझे आपको सबके सामने कुछ ना कुछ बोल दिया, बहुत बुरा भला कह दिया। अब आपने चूंकि बॉस है तो आपने चुपचाप सुन लिया, कुछ नहीं कहा, आप घर आ गए, लेकिन रास्ते में भी आपके माइंड में वो चलती रही, बॉस ने कहा, वो क्या हो गया, मौखिक हो गई क्रिया, मुख से उनके निकला, सुना आपके कानों ने, फिर वो आपके माइंड में पहुंच गया, आप रस्ते भर उसी चीज को सोचते जा रहे हैं, बार बार आप चिंतन कर रहे हैं, मतलब चिंतन में क्या हो जाता है, दो चार विचार और साथ में आ जाते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने ये किया भी नहीं था, फिर भी बॉस ने एक बार भी सोचा नहीं, सच जानने की कोशिश नहीं करी, सबके सामने मुझे डांट दिया, तो ये माइंड में चल रहा है चिंतन। अब इतना हो गया, इतना हो गया, घर पहुंचे आप, घर पे भी आपने पूरा, घर आते ही से आपने किसी से बात नहीं करी, कमरे में बंद कर लिया अपने आप को, बिल्कुल लगातार बार बार रिपीट कर रहे, वो सारे दृश्य जो जो आपने देखे, वो सारी बातें जो जो आपने सुनी, आपके माइंड में बार 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 चल रही है, बिना किसी दूसरी चीज के इंटरेक्ट करते हुए, कोई दूसरी चीज नहीं आ रही है उसमें। धारणा में हम पढ़ते हैं ना, क्या होता है धारणा में, धारणा में चीजें ऐसे पानी की बूंद जो टूटी हुई गिरती है उसके जैसे होती है कि आ रही जा रही, दूसरे विचार भी साथ साथ आते हैं, मतलब घर पहुंचा व्यक्ति सोचते सोचते घर पे पहुंच के बीवी ने पूछ लिया, पत्नी ने पूछ लिया कि भाई चाय पानी लोगे, बच्चों के साथ थोड़ी बातचीत हो गई, ठीक है, तो वो चल रही है चीज माइंड, लेकिन वही लगा हुआ, हम ठीक से बात नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी चीजें आ रही है बीच बीच में, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली वो चल रही है, अब हम कमरे में बंद हो गए और लगातार अब कोई दूसरा विचार नहीं आ रहा है, एकदम उसी बात को हम सोच रहे हैं। तो ये तो केवल समझने के लिए, याद रखने के लिए है चीज, लेकिन अगर एजुकेशन के उसमें हम इसको देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सुनने का क्या क्या है विधि, समूह चर्चा विधि, एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, व्याख्यान मौखिक का क्या है, व्याख्यान मतलब टीचर बोलता जा रहा है, और अगर डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो एक बोल रहा है, दूसरा विचार रख रहा है, फिर तीसरा विचार रख रहा है, सब अपने अपने थॉट्स लेके आते हैं सामने किसी टॉपिक को लेकर, और याद करना प्रवचन, जैसे कि वही उपनिषद में कि गुरु ने प्रवचन के थ्रू, या आजकल जितने कथा वार्ता हो, कथा प्रवचन करता होते हैं, वो सब क्या करते हैं, हजारों लाखों लोगों के सामने अपनी बात बोलते चले जाते हैं, और लोग सिर्फ उनको अपने माइंड में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, फिर किसी किसी को घर जाके कोई भूल जाते हैं उस चीज को, और बाकी लोग कुछ लोग उसको याद रख लेते हैं, और जो भूल गए हैं उनको भी अगर किसी प्रॉब्लम में पड़ गए हैं तो उनको याद आता है, अच्छा मिश्रा जी ने ये कहा था, या जो बागेश्वर धाम वाले गुरु जी है उन्होंने ये कहा था कि इस प्रॉब्लम में अगर पड़ते हैं तो ऐसा कर लेना, तो चिंतन करते हुए हम समस्या समाधान पे पहुंच जाते हैं, तो समस्या समाधान विधि वो कहलाती है, और मनन प्रश्नोत्तरी विधि, क्वेश्चन चलते रहते हैं अंदर ही अंदर, बार बार लगातार कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि हो जाती है वो। ये प्रश्नोत्तरी विधि आपकी मौखिक भी हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है, कुल मिला के ये समझने के लिए चीजें थी ये वाली, और ये आपको याद रखना है, असली मेथड ये सब है, ये चारों, कौन कौन सी, व्याख्यान विधा की, जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था उसमें
जो मेथड्स थी, टीचिंग मेथड्स थी, वो कौन कौन सी थी? ये थी व्याख्यान, ग्रुप डिस्कशन। व्याख्यान मतलब, व्याख्यान मतलब क्या होगा इंग्लिश में? उपदेश? नहीं, उपदेश नहीं। उमेश सर बताएंगे सही सब। लेक्चर मैम। लेक्चर, वेरी गुड। लेक्चर आएगा यहाँ पे कि आपकी लेक्चर मेथड हो गई, ग्रुप डिस्कशन हो गया, और प्रवचन आपका ये हो गया नीचे, ये भी लेक्चर में ही आ जाएगा प्रवचन भी। और चूंकि उस समय है तो उसको प्रवचन नाम दे दिया है। फिर आपका आ जाएगा समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है? करके देखता है ना जब खुद स्टूडेंट, तब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती है कि खुद करके सीखता है। उसके बाद आएगी प्रश्नोत्तरी, क्वेश्चन आंसरिंग। तो ये इतनी टीचिंग मेथड्स थी यहाँ पर। अब अगर हम अगला पढ़ें, परीक्षा पद्धति। परीक्षा पद्धति कैसी थी इसमें? वेदकालीन शिक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। इस चीज को पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, कि उस समय कोई भी लिखित, जैसी आजकल ली जाती है, कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होता था। थोड़ा बहुत आकलन करने के लिए गुरु द्वारा मौखिक रूप से छात्रों का परीक्षण कर लिया जाता था। मतलब लग रहा है कि एक वेद पढ़ लिया इसने, अब दूसरा वेद पढ़ने से पहले जो इसने पढ़ा है उसका क्वेश्चन आंसरिंग ओरल कर लिया जाता था। लगता था गुरु को कि हाँ ठीक है, इसने सारी चीजें इसको कंठस्थ है, याद है, ओके। तो वो उसको अगले वेद में, यानी उसको स्नातक की उपाधि मिल गई, दूसरी उपाधि के लिए उसको इलिजिबल बता देता था कि हाँ ठीक है, ये क्वालिफाइड है। तो ये क्या हो जाती थी, एग्जाम की जो प्रोसीजर थी वो, कि कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होता था। अब गुरुकुल हेतु वित्त की व्यवस्था, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कुछ भी संस्था है, वो बिना धन के, बिना पैसों के नहीं चल सकती है। कोई भी इस संसार में बिना पैसों के सरवाइव नहीं कर सकता है। जंगल में जा रहे हैं, रह रहे हैं, तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन आजकल तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें पहुंच गई हैं। लेकिन उस समय गुरुकुल में क्या होता था, केवल तीन साधन होते थे। एक हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब हम अनुशासन पढ़ रहे थे, बालकों को वहां पर रहना होगा और खुद के लिए और गुरु के लिए भिक्षा लेके आनी पड़ेगी। उसी भिक्षा के आधार पर पूरा जो गुरुकुल है उसके भोजन का सिस्टम चलता था। तो एक तो भिक्षा लेके आते थे, भिक्षा के थ्रू चलता था, वित्त की व्यवस्था होती थी। दूसरा जो राजघराने हैं वहां से दान में मिल जाता था। और तीसरा क्या था, राजकीय सहायता। दान कोई भी दे सकता था, अगर कोई व्यापारी वर्ग है, अच्छा पैसे वाला है, तो वो भी दे सकता था, भले ही राजघराने से ना हो। और राजकीय सहायता यानी वहां वो जिस राज्य के क्राइटेरिया में आता था, उस राज्य से भी उसको सहायता राशि या अनुदान दिया जाता था। जैसे यूजीसी नेट देता है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, या यूनिवर्सिटीज को देता है, वैसे ही जो वहां के राज्य होते थे, वो राज्य कौन से वाले, राजा वाले, उस समय तो राजा महाराजा ही हुआ करते थे, वो राजकीय सहायता उनको दी जाती थी। ये तीन मेन सोर्स थे, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और शिक्षा मतलब, चूंकि गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो गुरुजी किसी भी तरह की कोई एजुकेशन फीस नहीं लेते थे, वहां कोई फीस नहीं ली जाती थी। जितने भी स्टूडेंट्स होते थे कंप्लीटली फ्री पढ़ते थे, जैसे कि MDYA में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, पूरी तरह से सभी स्टूडेंट्स के लिए निशुल्क है, ऐसे ही ये उस समय भी था। जो सक्षम शिक्षार्थियों द्वारा अपनी योग, सक्षम मतलब जो इस योग्य थे, जिनके पास होता था पैसा, जैसे कोई व्यापारी का बच्चा है, पैसे वाले धनाढ्य वर्ग का है, वैश्यों का कोई बच्चा है,
या राजा महाराजा के हैं तो वो क्या करते थे, अपनी योग्यता के अनुसार गुरु दीक्षा दे देते थे, गुरु दक्षिणा, गुरु दीक्षा नहीं, गुरु दक्षिणा दे देते थे गुरु जी को। और किसी भी किसी विशेष परिस्थिति में गुरु जी को ऐसा लगता था कि अगर ये बालक से मैं ले सकता हूं, मुझे लेना चाहिए, तो वो क्या करते थे, उससे गुरु दक्षिणा मांग लेते थे। किसी विशेष परिस्थिति में, नॉर्मल कंडीशन में कभी नहीं मांगते थे, अपने आप से देते थे छात्र लोग। तो जैसे कि एकलव्य का हुआ था कि उसने बिना अनुमति के, बिना आज्ञा के, बिना पूछे, सिर्फ मूर्ति से क्या किया था, धनुर्विद्या प्राप्त कर ली थी। द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित करके। द्रोणाचार्य कौन थे, किसके गुरु थे? अर्जुन के। अर्जुन के बस, कौरव और पांडवों दोनों के गुरु थे। और ये कौन था जो एकलव्य है, ये कौन था? शूद्र का बालक था। वहां जो वनवासी होते हैं, वन का वासी था, और उस समय के हिसाब से इसको कहा जाता था कि निम्न कुल का ये बालक था, इसलिए गुरु ने मना कर दिया था। उस समय ये प्रथा थी, ऐसा भी था कि जो राजघराने के गुरु होते थे, मतलब जिनकी पोस्ट होती थी राजघरानों में, वो दूसरे बालकों को, मतलब ये वाली शिक्षा जो क्षत्रिय वाली है, धनुर्विद्या या ये सब जो अस्त्र शस्त्र की जो विद्या है, वो केवल राजघरानों के बालकों को या फिर ब्राह्मण के बालकों को दी जाती थी। किस समय? ये महाभारत काल की बात है ना, पहले ऐसा नहीं था, वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ये एकलव्य का उदाहरण सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे हमने लिया है। तो विशेष परिस्थिति में गुरु दक्षिणा मांग भी लेते थे। गुरुकुल हेतु वित्त की व्यवस्था के तीन साधन हमने पढ़ी लिए हैं, क्या थे? अब हम ये देखेंगे गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। ये हमारा अभी आज कंप्लीट हो जाएगा, प्रीवैदिक में, प्रीवैदिक का हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। ये गुरु शिष्य के संबंध बहुत ही अच्छे थे। कैसे अच्छे थे? गुरु और शिष्य के मध्य आदर्श संबंध थे, जिसको आइडियल रिलेशंस थे। गुरु शिष्यों में गुरु के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव रहता था, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया, गुरु जी का वाक्य वचन, जो उन्होंने कह दिया उसको फॉलो करना है, मानना ही है। गुरु के जागने के पूर्व शिष्य जाग जाते थे, और गुरु की आवश्यकता की पूर्ण सामग्रियों को क्या करते थे, ये जैसा मैंने बताया ना कि पूरा व्यवस्था कर देते थे उनके जागने के पहले ही। साफ सफाई भी शिष्य करते थे गुरु के जागने के पहले। गुरु का कार्य होता था शिष्यों को वांछित शिक्षा प्रदान करना, मतलब डिजायर एजुकेशन, जिस बच्चे को जैसी एजुकेशन चाहिए उसको वो प्रोवाइड करवाना। और जो स्टूडेंट्स थे वो क्या, अपने गुरु को अपना आध्यात्मिक पिता मानते थे। आध्यात्मिक पिता का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल फादर, जो परमात्मा से मिलाएगा, वो वाला पिता मानते थे जो स्टूडेंट्स होते थे। और गुरु के द्वारा भी अपने पुत्र की भांति शिष्य की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता था। मतलब कुल मिला के अगर हम इसको कंक्लूड करें तो एक आदर और रिस्पेक्ट का वाला तो था ही था गुरु और शिष्य के मध्य, प्रेम और आदर वाला था। दो तरह के संबंध थे, प्रेम और आदर वाला, जिसमें रिस्पेक्ट करते थे स्टूडेंट और गुरु प्रेम करते थे। दूसरा कौन सा था कि पिता पुत्र का भी रिलेशन था, कि जो स्टूडेंट्स थे वो आध्यात्मिक पिता मानते थे, और जो गुरु होते थे वो बच्चे अपने खुद के पुत्र की तरह उन सब बालक की, हर एक की, कोई बालक भूखा तो नहीं है, किसकी क्या जरूरत है, किसी बालक को किसी वास्ते डर तो नहीं लग रहा है, हर तरह से उसकी जरूरतों का ध्यान रखते थे, और सहायता भी करते थे, रक्षा भी करते थे, प्रोटेक्शन भी देते थे पूरी तरह से। गुरुकुल में सेवा कार्य कैसे कैसे होते थे? गुरुजी की सेवा करना, पानी भर के लाना, पेड़ पौधे लगाना, लकड़ी काट के लाना, ये सब उसमें होते थे। राजकीय नियंत्रण कैसा था?
वैदिक कालीन शिक्षा राजकीय नियंत्रण से पूरी तरह से कैसी थी? मुक्त थी, किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था। जो स्टेट थे, जो गवर्नमेंट थी, जो राजा थे, उनका कोई कंट्रोल नहीं था। गुरु ने जो कहा वही वहां पे चलेगा। वही जैसे वो कौन सी थी, कौन सी गामिनी थी बाहुबली में, कौन सी गामिनी थी? मेरा वचन ही मेरा शासन है। शिवगामी। हाँ, वैसे ही गुरु का वचन ही गुरु का शासन हुआ करता था गुरुकुल में। राजा लोगों की कोई नहीं चलती थी। राजा लोग सब हाथ जोड़े जोड़े नंगे पैर गुरु जी के पास जाते थे। जब जाना रहता था उनको, कोई काम होता था तो उनका कोई अहंकार वहां पे नहीं चलता था। फिर राजा का शासन का, किसी भी राजा का या शासन का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता था गुरुकुल की व्यवस्था में। गुरु को एक सम्मानजनक स्थिति समाज में प्राप्त थी। सबसे बेस्ट जो गुरु की कंडीशन थी, आप याद रखिएगा, कॉम्परेटिव स्टडी में टेबल में जो लिखेंगे, सबसे बेस्ट कंडीशन यही थी, सबसे बेस्ट। ठीक है, तो अभी कोई भी लेफ्ट नहीं होंगे। मैं स्क्रीनशॉट लूंगी, आपकी अटेंडेंस मेंटेन हो रही है आजकल, तो सब लोग बने रहेंगे, अटेंडेंस देंगे मैम यहाँ। स्क्रीन हाँ थोड़ी सी छोटी कर दीजिए। दिखा दीजिएगा आज की। हाँ वो दिखा दूंगी मैं, पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, और तब तक आपका किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिए। डाउट है किसी का कुछ आज अभी तक जो पढ़ा हमने उससे रिलेटेड? नो मैम। सब समझ में आया? यस मैम। अब इनको टेबल में, आपको टेबल में पहला कॉलम तो फिल कर ही लीजिएगा आज वाला। ठीक है, अब सबसे जी पहले मैम। सब लोग, हाँ सबसे पहले सब लोग लेफ्ट कर जाइए 3 मिनट के बाद। ठीक 3 मिनट के बाद ज्वाइन कीजिएगा, कोई भी बचा नहीं रहेगा। अगर बचा रहेगा तो रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। सब लेफ्ट कर जाइए, मैं सबसे लास्ट में करूंगी। सोनाली जी लेफ्ट कीजिए, रिकॉर्डिंग चलती। हाँ ठीक है।